हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 आज से हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको कराऊंगा मैं, ठीक है? ध्यान से समझना उस चीज को। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द एचटीएमएल कोड टू जनरेट इट। ये आपको कोड एक टेबल दे रखी है, ये कैसे जनरेट होगी, ये हम कैसे इसकी कोडिंग करेंगे, ये कैसे जनरेट हुआ है, इसकी कोडिंग हम लोग कैसे करेंगे। अगर इसकी कोडिंग करते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एचटीएमएल। मुझे ध्यान समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था 25 नंबर की आपकी एचटीएमएल आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड लेंगे, हेड टाइटल लेंगे, और हेड के अंदर हम क्या देंगे, टाइटल। टाइटल में जैसे हमें कुछ भी दे सकते हैं, हमने हमें लिख दिया यहां पे माय फर्स्ट पेज लिख दिया हमने, और टाइटल हमने यहां पे क्लोज कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हेड क्लोज कर दिया, ठीक है? ये हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी को स्टार्ट किया, जो हमारा मेन पार्ट होता है बॉडी, ठीक है? बॉडी में आप कुछ भी दे सकते हैं। यहां पर हमने बताया था बीजी एट्रीब्यूट होता है, बीजी कलर, जैसे दे दिया रेड, ठीक है? उसके बाद आप दे सकते हैं, आप ये टेबल है हमारी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पे बॉर्डर जरूर यूज करेंगे, बॉर्डर नहीं यूज करेंगे तो बॉर्डर बनके नहीं आएगा, ठीक है? टेबल टैग का यूज किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीआर का यूज करेंगे, टेबल रो, ठीक है? एक रो में आप देख सकते हैं दो कॉलम्स हैं, कितने कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं। तो उसको हम डिफाइन करेंगे यहां पे, हमने लिखा यहां पे टी डी, टेबल डेटा, जो भी डेटा है टेबल डेटा टैग के अंदर इंसर्ट करेंगे। हमने टी डी लिया, हमने टी डी में क्या लिखा, संडे, ठीक है? और टी डी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, एक मेरा कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम हम यहाँ पे टी डी ले लेंगे, क्या लिखेंगे, मंडे, ठीक है? यहाँ पे टी डी हमने क्लोज कर दिया, तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी आर क्लोज कर दिया, ठीक है? उसके बाद हम सेकंड रो लेंगे यहाँ पे, इसके अंदर टी डी देंगे, क्या लिखेंगे, ट्यूजडे। इसके बाद टीडी हम क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे यहाँ पे। सेकेंड टीडी लेंगे, उसमें क्या लेंगे, वेडनेसडे, यहाँ पे ये टीडी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे ये रो क्लोज कर देंगे। अब थर्ड रो आ जाएगी हमारे पास, क्या, टी आर, क्या लिखेंगे, टीडी, टीडी में क्या लिखेंगे, थर्सडे, थर्सडे लिखा हमने, और टी डी यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है? सेकेंड टी डी लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे लिखा, और टी डी हमने क्लोज कर दिया, और ये भी रो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने क्या लिखा, टी आर को क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद जब हमारा ये रो कंप्लीट हो गई, उसके हम टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद में बॉडी को क्लोज करेंगे, और लास्ट में एचटीएमएल क्लोज करेंगे, ठीक है? तो ये इसकी कोडिंग, इस कोडिंग से हमने ये डेवलप होगा, ठीक है? तो ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से आप करिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कि ये सर समझ नहीं आया दोबारा बता दीजिए, ठीक है? आप हम व्हाट्सएप पे या फिर आपके स्कूल ओपन होंगे तब पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ये बॉर्डर अगर नहीं लगाऊंगा तो ये बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है? ऐसे फॉर्मेट आपको, मतलब ये जो डेटा है ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है? जहां पे वही लिखा रहेगा, लेकिन ये बॉर्डर नहीं आएगा, ये बॉर्डर नहीं आएगा अगर आपने यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया तो, ठीक है? तो आप बॉर्डर जरूर देंगे यहाँ पे, जैसे बॉर्डर 2 दिया है आपने,
तो आप यहाँ पे बॉर्डर जरूर देंगे, तभी ये बॉर्डर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।